बीजेपी यूपी की एक और लिस्ट का आज कर सकती है ऐलान। दो दौर के चुनाव के पहले हो चुका है ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा और बरेली में करेंगे प्रचार, घर घर करेंगे संपर्क। आगरा में 20 सीटों से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग भी करेंगे नड्डा, बरेली में भी करेंगे चुनाव रणनीति पर मंथन। गोरखपुर में अखिलेश का ब्राह्मण दाव, योगी के खिलाफ उतर सकते हैं ब्राह्मण उम्मीदवार। कांग्रेस युवाओं को लुभाने की कोशिश में आज प्रियंका और राहुल करेंगे यूथ मैनिफेस्टो का ऐलान। यूपी विधानसभा में पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन, बड़ी तादाद में भरे जाएंगे पर्चे। यूपी के रण में लखीमपुर कांड की गूंज, राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग, किसान मोर्चे का आज लखीमपुर में प्रदर्शन। गोवा में भी सियासी सरगर्मियां, गोवा के लिए आज शिवसेना जारी करेगी लिस्ट। त्रिपुरा का 50वां स्थापना दिवस आज, गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समारोह का करेंगे संबोधन। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, उत्तराखंड के लिए पहली लिस्ट जारी करने की संभावना। और दिलचस्प हुई यूपी की लड़ाई, विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाएंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने तय की अखिलेश की सीट, पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर बीजेपी की चुनौती, कहा करहल में भी पंचर हो जाएगी साइकिल। चुनाव उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की, अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कितनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चला। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी, कहा आउटसोर्सिंग पर सब कुछ बेचा जा रहा है। यूपी में जारी है चुनावी भागम भाग, मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने थामा बीजेपी का हाथ, अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप। टिकट का सवाल नहीं, नीतियों का सवाल है। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, साठकारों को अपने आसपास बैठा ली। प्रमोद गुप्ता के सवाल को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, बोले हमारे परिवारवाद को खत्म करने के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। यूपी के मंत्री आशुतोष टंडन के सवाल पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, बोले किसी के परिवार में झगड़ा नहीं करवाती समाजवादी पार्टी। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, कांग्रेस को बताया महिला और ओबीसी विरोधी। रायबरेली सदस्य विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, बीजेपी में पहले ही हो चुकी हैं शामिल। सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद, बीजेपी पर साधा निशाना। जेवर से आरएलडी के दावेदार अवतार भड़ाना का यू टर्न, अब चुनाव लड़ने का किया ऐलान, पहले कहा था कोरोना पीड़ित हूं नहीं लड़ूंगा चुनाव। यूपी में कांग्रेस ने जारी की 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 16 महिलाओं को दिया टिकट। यूपी की सियासत में जबरदस्त हलचल, बीएसपी में शामिल हुई निर्भया और हाथरस केस की वकील सीमा कुशवाहा। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए जारी की पहली लिस्ट, 70 में से 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 15 ब्राह्मणों को दिया टिकट। खटीमा से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार से किस्मत आजमाएंगे मदन कौशिक। बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल का नाम, पार्टी ने कहा पणजी छोड़कर दूसरी सीट का दिया है ऑफर। आम आदमी पार्टी ने तय की भगवंत मान की सीट संगरूर के हैं, धुरी से लड़ेंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। यूपी में जीत पर बीजेपी का बड़ा दाव, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोले पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे और उसके आधार पर जनता कहीं ना कहीं आज मोदी जी पे, योगी जी पे विश्वास कर रही है कि इनके रहते हमारा विकास होगा, हमारा कल्याण होगा। यूपी में दल बदल पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर खफा, कहा ये जनता के साथ धोखा। हमेशा ये बात को प्रोटेस्ट करती हूँ कि जो दल बदलते हैं तो वो अपनी वो क्या कहते हैं दृष्टिकोण को भी कहाँ सही रहते, कभी बीजेपी में कहीं सभा में। भीलवाड़ा में बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष का दावा, गहलोत सत्ता से बाहर होंगे, नहीं पूरे किए कई वादे। पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन, लोगों को संबोधित करेंगे। 30 करोड़ की लागत से बना सर्किट हाउस, कमरों की बनावट ऐसी, यहीं से दिखेगा समुद्र का नजारा।
आजादी के अमृत महोत्सव पर ब्रह्म कुमारी ने कई कार्यक्रमों का किया आयोजन, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है। ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में मौजूद थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पीएम के सामने कहा, देश में समय हिंसा का माहौल। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 3,17,000 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 491 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 5,708 नए मामले, एक दिन में 12 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से राहत, पिछले 24 घंटे में 12,306 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 21.48%। दिल्ली में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, पाबंदी हटाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जल्दी खुले बाजार में शुरू हो सकती है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बिक्री, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ने की मंजूरी की सिफारिश। केरल में कोरोना से हालात सबसे खराब, 46,000 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 40% के पार। कर्नाटक में भी 47,000 नए केस, महाराष्ट्र में 26,000 केस। गुजरात में फुल स्पीड में है कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 24,485 केस, एक दिन में 13 की मौत। दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट, प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में देना होगा 300 रुपए, होम कलेक्शन के लिए 500। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुल जाएंगे पहली से नौवीं कक्षा के स्कूल, सरकार ने दी इजाजत। ठाणे में कालीचरण बाबा गिरफ्तार, महात्मा गांधी को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जेडीयू में छेड़छाड़ की शिकार पीएचडी छात्रा को इंसाफ दिलाने की उठी आवाज, छात्रों ने निकाला मार्च। बिहार में एम्बुलेंस में शराब तस्करी की कोशिश, गया में एम्बुलेंस से शराब बरामद। गुरुग्राम में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी ढही, दो मजदूरों की मौत। सहारनपुर के गांव में वैक्सीनेशन न करने को लेकर पुलिस सख्त, गांव के बाहर पुलिस का पहरा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही आने जाने की इजाजत। रायसेन के किसान ने कायम की लगन की मिसाल, कांच की छोटी शीशियों में बनाई नायाब मूर्तियां। उड़ीसा के गजपति में एम्बुलेंस स्टाफ ने दिखाई इंसानियत, गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर 2 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। यूपी में कड़ाके की ठंड, वाराणसी के जू में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए फिर किए गए खास इंतजाम। शिमला में बर्फबारी के बाद बने सैलानी, 1,500 घोड़ा मालिकों के चेहरे खिले। कश्मीर में ठंड से बचने के लिए पारंपरिक तरीकों का आसरा, कांगड़ी के जरिए खुद को गर्म रखते हैं लोग। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान, रोहित समेत ऋषभ पंत और आर अश्विन को मिली जगह। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में नहीं मिली किसी भारतीय को जगह, बांग्लादेश के 9 और पाक के 2 खिलाड़ी शामिल। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंची टीम इंडिया, भारत को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1। हिमाचल के ऊना में ठंड के कारण बाजारों में छाई मंदी, किसानों को भी सताई फसल बर्बाद होने की चिंता। दिल्ली में ठंड का कहर जारी, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें। पश्चिमी यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। बिहार में जारी है शीतलहर का सितम, दुर्लभ हो रहे हैं सूर्य देवता के दर्शन। बद्रीनाथ में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ, बिजली पानी का संकट। दार्जिलिंग में भी बर्फबारी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं सैलानी। राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका बना फतेहपुर शेखावटी, बारिश और ओले गिरने से लुढ़का पारा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में चौकसी तेज, बसंत कुंज में घोषित अपराधियों के घर छापे। धार में 3 साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, इलाज के दौरान मौत। श्रीगंगानगर में शराब ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे में कोचिंग सेंटर की छत पर चढ़ा। मथुरा में चुनाव से पहले पुलिस का एक्शन, अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी, 8 तमंचे और बंदूकें बरामद। बुलीबाई ऐप के मामले में कार्रवाई तेज, मुंबई पुलिस ने ओडिशा से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। अंबाला में कार पर बदमाशों की फायरिंग, एक की मौत। अकोला में जूलर ने की बड़ी ठगी, ज्यादा ब्याज का लालच देकर 7.5 करोड़ लेकर फरार। बारामती में लोगों के भरोसे के से खिलवाड़, कमेटी चलाने वाला 200 करोड़ रुपए लेकर फरार। सूरत की सौम्या मिल में लगी आग, कई घंटे बाद पाया गया काबू, 3 मजदूर जिंदा चले। देवरिया में हथियारों के दम पर 32 लाख के गहने लूटे, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।
मुरादाबाद में बदमाशों ने दिखाया दुस्साहस, सरे बाजार ज्वेलरी शॉप के मालिक को मारी गोली। हाजीपुर में शराब के केस में भतीजे को फंसाने की कोशिश करने वाला चाचा गिरफ्तार, दूध वाले के जरिए शराब मंगवा कर भतीजे पर लगाया आरोप। शामली सदर सीट से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी तेजेंद्र निर्वाल पर केस दर्ज, नामांकन से पहले रैली में भीड़ जुटाने का आरोप। इंदौर में निर्माणाधीन स्कूल इमारत की छत गिरी, कई मजदूर घायल। इंदौर में तस्कर कर लाया गया 3 किलो सोना बरामद, 1.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत, एक आरोपी गिरफ्तार। SBI की रिपोर्ट में सरकार को GDP समर्थन जारी रखने की सलाह दी गई, कहा राजकोषीय मजबूती पर फिलहाल नहीं देनी चाहिए ध्यान। बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को अपने खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए, राजकोषीय घाटा कम करने की पहल के तहत निर्देश। ओमिक्रॉन की वजह से लगे प्रतिबंधों ने 1 से 5 जनवरी के बीच डीजल की बिक्री 14.1% घटाई, पेट्रोल की बिक्री में 13.81% की कमी। आधार का स्मार्ट कार्ड बाजार से बनवाने पर नहीं होगा मान्य, UIDAI ने कहा बाजार से बनने वाले PVC कार्ड में नहीं है सुरक्षा के फीचर्स। अब महिंद्रा भी बनाएगी इलेक्ट्रिक स्कूटर, महिंद्रा और हीरो इलेक्ट्रिक के करार से सालाना 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा निर्माण।